Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Raju Sharma and I am the founder of ASPD, American Skills and Personality Development. आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिंगापुर. सिंगापुर से बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई हैं और ये वैकेंसीज 4 और 5 स्टार होटल से हैं. तो आप में से जो भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और जिनके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं. आपकी जो एज कैटेगरी है वो कम से कम 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए. देखिए, सिंगापुर में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो इंडियंस को हायर कर रहे हैं और ये जो वर्क परमिट है ये 2 ईयर्स का अवेलेबल है. 2 ईयर्स के बाद आपके परफॉर्मेंस के ऊपर और ये आपके और आपके होटल के बीच की बात है कि वो एक्सटेंड करना चाहते हैं कि नहीं, या फिर आप और आगे रहना चाहते हैं कि नहीं. पर जनरली जो है एक्सटेंशन पॉसिबल है और 2 साल के बाद भी आप वहाँ पे रह सकते हैं. ऑन एन एवरेज सिंगापुर में जो भी जा रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो 1600 से 1800 सिंगापुरियन डॉलर के बीच में है. अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो ये सैलरी भी ज़्यादा होगी. देखिए, ड्यूटी मील्स वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं और ऑफ ड्यूटी मील्स आपको अपने एकोमोडेशन में खुद से बना के खाना है. एकोमोडेशन सिंगापुर में प्रोवाइड नहीं करती है कंपनीज, पर हमारे तरफ से ASPD की तरफ से आपको एकोमोडेशन अलॉट की जाती है, पर आपको जो है रेंट हर महीने वहाँ पे करना पड़ता है. और ये जो एकोमोडेशन होगा ये शेयर्ड बेसिस पे होगा, जहाँ पे आप 2 या 3 कोई के साथ अपना रूम शेयर करेंगे. ये बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी आई है सिंगापुर से और मेरे ख्याल से ये आपके लिए बिल्कुल एक लायक प्रोग्राम है और आप अप्लाई कर सकते हैं. आप अप्लाई करें इससे पहले हम आपको बता दें कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में तकरीबन 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि सिंगापुर में होता क्या है कि ये वैकेंसीज जो है ना हमेशा अवेलेबल नहीं होती और ये मैनेजमेंट कोटा सिस्टम है, गवर्नमेंट का कोटास आते हैं और जब भी कोटास रिलीज होते हैं उसी हिसाब से जो है जॉब बाहर आती हैं और फिर हम उसमें रेज्यूमेस भेज सकते हैं. तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है. और जो भी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं वो है आपका किचन, F&B सर्विस और हाउसकीपिंग. ये 3 डिपार्टमेंट्स जनरली अवेलेबल होते हैं. फ्रंट ऑफिस को वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं. तो आप में से अगर कोई भी ये 3 डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अप्लाई कर सके हमें और हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए. जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स आगे और जान सकते हैं. अभी के लिए इतना ही है और आपको अगर हमारा वीडियोस पसंद आता है, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.